नंबर एक। देश के लिए खेलने का या देश के लिए काम करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, और जिसको मिलता है वो बहुत ही किस्मत वाला होता है। और मौका मिलने के बाद इसे कैसे शिद्दत से निभाया जाता है, ये आप महेंद्र सिंह धोनी से भी सीख सकते हैं। ये बात सन 2015 के वर्ल्ड कप की, जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्म अप मैच खेल रही थी। अचानक से ही महेंद्र सिंह धोनी को पता लगता है कि उनके घर पे एक बेटी का जन्म हुआ है। किसी पत्रकार ने महेंद्र सिंह धोनी से पूछा कि क्या आप अभी भारत नहीं जाना चाहेंगे, तो महेंद्र सिंह धोनी का जवाब सुनके आपको गर्व महसूस होगा। उन्होंने कहा कि अभी मैं अपने देश का नेतृत्व कर रहा हूं, अपने देश की सेवा में हूं, बाकी चीजें इंतजार कर सकती हैं। नंबर दो। दोस्तों, अपने फैसलों से अक्सर चौंकाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर चेन्नई की कप्तानी छोड़कर सबको चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी है, और ऐसे में चेन्नई के थाला ने टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को टीम की कप्तानी सौंप दी है। दरअसल ये फैसला धोनी ने खुद ही लिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जडेजा इस समय अपने करियर के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहे हैं, और यही सही वक्त है कि उन्हें सीएसके की कप्तानी सौंप दी जाए। इसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि अभी धोनी बतौर बैट्समैन चेन्नई से जुड़े हुए हैं, और उनके रहते जडेजा को कप्तानी का और भी अनुभव हो जाएगा, ताकि जब धोनी पूरी तरह क्रिकेट से संन्यास ले तो उनकी अनुपस्थिति में जडेजा सीएसके टीम को आगे लेकर जा सके।